हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पर। हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ है वो मिलने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छी आपके लिए जॉब मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जॉब है, आप इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको सारी जानकारी पता चल जाए कि इसमें आपकी जॉब होने वाली है और कितनी आपकी इसमें आपकी सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों। और सारी जानकारी बताऊँगा आपकी कितनी आपकी इसमें पढ़ाई लिखाई मांगी गई है और अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्या इसमें जो है एलिजिबिलिटीज़ है वो मांगी गई है, वो सारी बातें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जॉब के बारे में बता देता हूँ, जॉब को आपको कौन से डिपार्टमेंट में होने वाली है। तो जॉब आपकी होने वाली है दोस्तों ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ जो पर्चा बनता है पेशेंट का उसमें स्टैंप लगाना है। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ स्टैंप लगाना है और कुछ नहीं करना। एक स्टैंप जो होता है आपको बता दूँ दोस्तों, सिर्फ आपको स्टैंप लगाना होता है और कुछ नहीं करना होगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही आसान जॉब है दोस्तों। इसमें अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल सकती है दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल में। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें। मैं आपको बताऊंगा इसमें आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई मांगी गई है अप्लाई करने के लिए और आपकी कम से कम उम्र है वो अप्लाई करने के लिए कितनी होनी चाहिए और इसका फॉर्म का लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो सारी बातें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ दोस्तों। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों। चलिए मैं आपको देता हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई इसमें आपकी ज़्यादा नहीं मांगी गई है। अगर आपने इसमें 8वीं या 10वीं पास कर ली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आपका इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखा गया है। हाँ दोस्तों, 8th पास इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसमें आपकी उम्र बता देता हूँ, आपकी अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्र इसमें नहीं मांगी गई है दोस्तों, इसमें बहुत ही कम उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मिनिमम एज है वो उम्र है आपकी 18 साल रखी गई है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसमें आपके ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी उम्र वेरीफाई करने के लिए, मतलब आपकी एज है वो वेरीफिकेशन के लिए इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट है वो लगेगा दोस्तों। कोई से भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास, जिसमें आपको अपनी एज है वेरीफाई करने के लिए। वैसे इसमें आपको बता दूँ, आप नॉर्मली अगर आप अपनी जो वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप अपना आधार कार्ड से आराम से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आधार कार्ड के थ्रू आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके फॉर्म के लिंक के बारे में। तो इसका फॉर्म का लिंक मैं आपको बता दूँ दोस्तों, गूगल पर सर्च करने पर मिलेगा हेल्प एंड रोजगार। हाँ दोस्तों, अगर गूगल पर सर्च करते हैं हेल्प एंड रोजगार तो अपने नंबर पर एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका फॉर्म का लिंक है वो मिल जाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएं दोस्तों, आप बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है हेल्प एंड रोजगार और आपको नंबर 1 पे वेबसाइट मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके फॉर्म का लिंक है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी अप्लाई कर पाएँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।